आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 नवंबर की ईश्वरदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें और हम ध्यान दें कि कहीं हम भूल ना जाएं और हमसे कुछ गलतियां हो जाएं, कर्मों की गलतियां। और इसलिए वो हमें हमेशा देते हैं ज्ञान, और उस ज्ञान को अगर हम याद रखते हैं तो हम कुछ गलती नहीं करते। लेकिन जहां भूल जाते हैं वहां हम मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं और फिर पापों का बोझ बढ़ता है और हमें दुआओं की जगह बददुआएं मिलती हैं, भारीपन होता है, रात की नींदें खत्म हो जाती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, बीमारियां आती हैं। और फिर हम बोलते नहीं, जो परमात्मा ने कहा था वो सही है, चलो वापस उस रास्ते पे, तो भूले ही क्यों। लेकिन क्या करें ना, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं हर वैरायटी के सोच से। तो इसलिए आज परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जीवन को हीरो समान वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भवा। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति से के चक्कर से मुक्त भवा। ये संगम युग स्मृति का युग है। ये संगम युग ऐसा युग है जहां पर हमारा संगम हो रहा है सत्य ज्ञान से। सारी दुनिया में आज देखा जाए तो कोई भी आपको 100% प्योर प्यार नहीं कर सकता, 100% प्योर आपकी महिमा नहीं कर सकता, 100% प्योर आपको समय नहीं दे सकता, केवल एक के अलावा जो कि शरीर में ही नहीं, और वो है परमपिता परमात्मा। ये गॉड कहें, अल्लाह कहें, जीवक कहें, इन्फिनाइट बीइंग कहें, इन्फिनाइट लाइट कहें, वो कहते हैं कि ये संगम जो है ये इस ज्ञान से, ये सत्यता से जुड़ने का युग, उसका संगम है हमारा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य के साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, फ्री रहेंगे, और सत्य के साथ रहेंगे तो बंधन में रहेंगे, फंसे हुए रहेंगे। तो ये संगम युग कलयुग के बाद का स्मृति का युग है, और कलयुग विस्मृति का युग है। कलयुग में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, मैं, मेरा, मेरापन, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा पोस्ट, मेरी पोजीशन, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरे लुक्स, मेरे सब कुछ, मेरे कपड़े, यही मैं हूँ। लेकिन जब कोविड जैसी चीजें आती हैं तो थोड़ा झटका लगता है, तो ये सारी चीजों पर क्वेश्चन मार्क आता है कि यही सब कुछ मैं हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है यहाँ पर कि ये आप नहीं हो, आपका सत्य कुछ और है। तो ये संगम युग समय है इस सत्य से जुड़ने का, जो कि ब्रह्मा कुमारी सबको हेल्प करती है। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति रहे कि मेरा पार्ट क्या, परमात्मा के साथ में मिल करके इस कलयुग को स्वर्ग बनाना, सत्य बनाना, अगर मुझे ये स्मृति रहे और सदा रहे अगर ये, तो हीरे समान वैल्यूबल हो, क्योंकि हम औरों का जीवन भी परिवर्तन कर सकते हैं, केवल अपना नहीं। और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो, तो परमात्मा की नजर में हम पत्थर बन गए, ये परमात्मा की नजर में हम हीरे बन गए। ये परमात्मा कहते हैं कि देखो पत्थर मतलब आयरन एज नहीं, वो पत्थर वाला स्टोरेज भी नहीं, पत्थर मतलब कि सोच में पत्थर, कि इसको जितना भी समझाया जाए उसका क्रोध छूटता ही नहीं, जितना भी समझाया जाए वो चिंता से मुक्त होते ही नहीं है, जितना भी उनको समझाया जाए वो डिप्रेशन को छोड़ते ही नहीं, वो बदले लेने के पीछे पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। लेकिन जो डायमंड बुद्धि होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आपको फटाफट बदल लेते हैं अपने भले के लिए और औरों के भले के लिए। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है, ये जो खेल है ना, ये गेम है, वर्ल्ड इज अ गेम, लाइफ इज अ गेम बोलते हैं ना, तो ये गेम है। इस गेम में कुछ रूल्स हैं जो कि स्पिरिचुअल रूल्स हैं, कर्म के रूल्स हैं, उनके अनुसार अगर हम चले तो हम हल्के रहेंगे। और हल्के होकर जाना है कि भारी होकर जाना, वापस जाना तो आपको भी मेरे को भी, लेकिन कैसे जाना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर चक्कर लगाने चले गए, मैं कलयुग की तरीके से चले गए, कलयुग की तरीके से सोचना, कलयुग की तरीके से बोलना, करना, बदला लेना, अहंकार में आना, क्रोध में आना, ईर्ष्या, नफरत, घृणा करना, जलसी करना, ये सारी चीजें अगर हम करना शुरू कर दिए फिर से, तो इतना भारी, इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। एज इट इज वातावरण बहुत ही भारी है दुनिया का, उसमें अगर हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें भारीपन में और अपने को भारी करें तो क्या हालत होगी। इस समय नहीं है भारीपन का। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, किसमें, डिप्रेशन के चक्कर में, एंग्जाइटी के चक्कर में, ज्यादा चिंता करने के चक्कर में, ज्यादा सोच में चक्कर में, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, कलयुग की दुनिया बहुत रौनक वाली है ना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करने वाले, एक दूसरे के बाद पीछे पीछे बैकबाइटिंग करने वाले, उनके साथ में आप मिल सकते हो या तो फिर आप सही दिशा जा सकते हो, चॉइस हमारे ऊपर है। उनके साथ मिलेंगे डिप्रेशन में जाएंगे, थोड़ी देर का नशा चढ़ेगा किसी की बेइज्जती करने में, लेकिन जब गिरेंगे तो बहुत बुरा गिरेंगे, अपनी नजरों में गिर जाएंगे पहले। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहुत रौनक है उस दुनिया में, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है,
अब ये समझना आपको और मेरे को है, लेकिन समझाने वाला कौन है? परमात्मा पिता। और वो समझाते हैं हमें ब्रह्म कुमारी सेंटर पे 7 दिन के कोर्स में। आपकी इच्छा है कि आप वो निःशुल्क फ्री वाला कोर्स जाके कर लें, या तो फिर आप वेट करें एक सेकेंड झटके के लिए। हाँ, पहला झटका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर कोविड, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और फिर आगे भी झटके आएंगे, तो या तो हम उसके लिए वेट कर लें या तो फिर हम उसके पहले समझ लें, ये हमारे ऊपर है। और साथ ही साथ आज हमारा एंग्जाइटी के ऊपर सेशन हुआ संडे को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगले संडे यही सेशन पार्ट 2 होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन नंबर एंग्जाइटी का पार्ट 2, एंड उसमें और चीज़ें समझ सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।